वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंफोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट शीट। पेमेंट शीट का यूज तब किया जाता है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखेंगे हमने कुछ एम्प्लॉयज की आईडी लिखी हुई है, कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं, उनकी पोस्ट यानी डेजिग्नेशन लिखी हुई है और उनकी मंथली सैलरी लिखी हुई है। हमें निकालना है इसका डी ए टी ए एच आर ए पी एफ ई एस आई ग्रॉस सैलरी एनुअल सैलरी टैक्स और नेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, ये होती क्या है। सबसे पहले हम डीए की बात करें तो डीए होता है हमारा डेवनेंस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता कहलाया जाता है। ये कंपनी इनकम के तौर पे आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। अगर हम टीए की बात करें तो टीए होता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी आपको कंपनी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर ही प्रोवाइड करती है, जिसमें या तो आपको वो पेट्रोल का एक्सपेंस देती है, या तो फिर आपको आने जाने की कैब फैसिलिटी देती है, या तो फिर आने जाने का आपको किराया प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें एचआरए की तो एचआरए होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, इसमें कंपनी आपको रहने का खर्चा देती है या तो फिर आपको फ्लैट देती है अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो। अगर हम बात करें पीएफ की तो पीएफ होता है हमारा प्रोविडेंट फंड, ये आपकी आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है और जब आप कंपनी छोड़ते हैं या आप कभी भी इसको रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली ये पीएफ फंड में रिसीव हो जाता है और जब भी आप कंपनी छोड़ करके अपना पीएफ रिसीव करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फंड से आप इसे रिसीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईएसआई की तो ईएसआई होता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इस ईएसआई में बेसिकली होता क्या है कि ये इसमें 5 लाख तक का बीमा रिकवर किया जाता है या इससे ज्यादा भी कवर किया जाता है अगर आप ज्यादा ईएसआई डिटेक्ट करवाते हैं तो। ईएसआई के अंदर अगर आपके घर में किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी तरीके की तबीयत खराब हो जाती है या आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसमें जिन के नाम आपने ईएसआई में ऐड करवा रखे हैं उन सभी का बीमा रिकवर होता है और उसमें 5 लाख तक का आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हॉस्पिटल इन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं एसआई हॉस्पिटल उनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की तो ग्रॉस सैलरी हमारी वो सैलरी होती है जिसके अंदर आपको डी टी एच आर ए सब कुछ प्लस होकर के जिसमें पीएफ और ईएसआई माइनस होकर के जो भी आपको सैलरी मंथली रिसीव होती है उसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। अगर हम बात करें एनुअल सैलरी की तो एनुअल सैलरी वो सैलरी होती है जो सालाना आपको रिसीव होती है। टैक्स की बात करें तो साल में आप कितना टैक्स पे करते हैं ये वो चीज है। और नेट पेमेंट की अगर हम बात करें तो पूरे साल में कंपनी आपको कितना पैसा देती है उसे हम नेट पेमेंट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शीट को। स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमने अपनी जो भी मंथली सैलरी रिसीव मतलब रिप्रेजेंट कर रखी है, लिख रखी है, उसके आगे रुपीज का सिंबल आपके सामने शो हो रहा है। तो ये रुपीज का सिंबल किस तरह से आता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं डीए। तो डीए निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू यूज करना है। इज इक्वल टू यूज करने के बाद आपको यहाँ लेना है मंथली सैलरी की रेंज और मल्टीप्लाई करना है जितना परसेंट डीए आपको मिल रहा है, यानी 2% है तो 2 के साथ शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपका 2% यानी कि इस सैलरी का 2% कितना हुआ वो आपके सामने आ गया। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ तो सभी का एक साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम टीए की तो टीए भी हमारा सेम इसी तरीके से निकलेगा, इज इक्वल टू मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3% से और एंटर प्रेस करेंगे, हमारा टीए भी आ गया सेम एज इट इज। इसी तरीके से एचआरए निकाल देंगे, मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4% से। परसेंटेज आप कुछ भी रख सकते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, जिस कंपनी में जितना भी परसेंटेज है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर लगा करके उतनी परसेंटेज यूज कर सकते हैं, उतनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमारा पीएफ भी आ गया और सेम इसी तरीके से हम लोग ईएसआई को भी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3% से। तो 3% करने के बाद हमारा ये परसेंटेज पूरा कवरेज हो गया, यानी हमारा जितना भी हमने परसेंटेज निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब ये तो बहुत इजी था हमारा निकालना कि हमने डी ए टी एच आर ए पी एफ ईएसआई सब कुछ एक साथ निकाल लिया। अब निकालने के बाद बात करते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी में क्या होना चाहिए, तो ग्रॉस सैलरी में मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू मंथली सैलरी आपको जो मिल रही है वो आपका प्लस होगा, जिसमें आपको डीए भी मिल रहा है ये भी प्लस होगा आपको क्योंकि ये आपको रिसीव हो रहा है, टीए भी आपको रिसीव हो रहा है तो ये भी प्लस होगा आपका, एचआरए भी आपका आपको मिल रहा है तो ये भी प्लस होगा आपका। लेकिन माइनस होगा आपका यहाँ पर पीएफ और माइनस हो जाएगा आपका ईएसआई, यानी ये दो चीजें आपकी डिडक्ट होंगी और बाकी सारी चीजें आपको रिसीव होंगी। तो एंटर करेंगे तो जो भी कट पिट कर आपकी जो सैलरी बनी ग्रॉस सैलरी बनी वो आपकी आ गई आपके सामने। अब इसके बाद बात करें हम एनुअल सैलरी की, तो अगर हमारे पास ग्रॉस सैलरी है तो हम एनुअल सैलरी निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू का यूज करेंगे, ग्रॉस सैलरी की रेंज लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 से क्यों, क्योंकि एक महीने की सैलरी अगर आपके पास आ गई है
तो 12 महीने की निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो साल की सैलरी आपकी आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई है। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। इसके बाद हम निकालेंगे टैक्स, तो टैक्स हमारा निकलेगा एनुअल सैलरी के ऊपर, क्योंकि मंथली सैलरी के ऊपर टैक्स हमारा निकलता नहीं है, हमें साल में एक बार टैक्स पे करना होता है। तो हम इज इक्वल टू का यूज करेंगे, यहाँ पर एनुअल सैलरी की रेंज लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी टैक्स आप पे कर रहे हैं उतने परसेंट से इसको मल्टीप्लाई करके एंटर करेंगे, आपके आपका टैक्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। टैक्स के बाद बात करें हम लोग नेट पेमेंट की, तो नेट पेमेंट निकालने के लिए आपको सिंपल करना है क्या है, इज इक्वल टू का यूज करना है। इज इक्वल टू का यूज करने के बाद आपको एनुअल सैलरी की रेंज लेनी है, जिसमें से माइनस कर देना है आपको टैक्स। टैक्स क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स आपको देना होगा तो कंपनी आपको ये टैक्स माइनस करके ही आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स जो होती हैं वो टैक्स को डिटेक्ट करके यानी काट करके ही आपको बाकी अमाउंट देती हैं। तो ये बन गई आपकी पेमेंट शीट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।